और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चेहरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज से 3-4 दिन पहले बाजार घाट में एक फ्लैट में 9 लोगों की मौत हो गई, आग लग गई बिल्डिंग में, आप देखे होंगे। वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो मालिक जो था वो केमिकल रखा, केमिकल के डब्बे, आग लग गई। आग लगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा जो पार्टी के यूनिट है वहां पे, वो पूरे के पूरे पहुंचकर फायर सर्विस को फोन किए। भयानक आग थी। माजिद हुसैन जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 15-20 मिनट में पहुंच गए। और माजिद हुसैन यही पुकार कर कह रहा था कि भाई जितना हो सके जान बचाओ, ये मत देखो कि नहीं हिंदू या मुसलमान है। अब सुनिए आप, थाली मत बजाइए, थाली मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं हमारे दिलों में क्या है। तकरीर कर आप बोल सकते, मगर अगर आग लगी हुई है, भयानक आग लगी हुई है, उस वक्त मजलिस के लोग, माजिद हुसैन की जबान से निकल रहा मियां जान बचा, इमरान जान बचा, ये मत देख कि हिंदू है मुसलमान है। इमरान मजलिस का एक वर्कर है, मेंबर है, वो 18 महीने के एक बच्चे को फायर सर्विस वालों के साथ निकाल के लेकर आया। कौन था वो? हिंदू था, हिंदू की औलाद थी। क्या उस वक्त भी देखेंगे हम ये हिंदू है इन्हें मुसलमान है? कम से कम 15-20 लोगों की जान मजलिस के लोग बचाए, फिर लाशा निकाले, कपड़ों में डाल के उन लाशों को उस्मानिया को पहुंचाए। ये सब होने के बाद कांग्रेस के लोग आके लाशों पे सियासत कर रहे, अने कुछ नहीं, तुम आते नहीं, तुम करते नहीं। किस वहां बीजेपी के सदर आए, नहीं ये पूरे इलीगल घराएं तोड़ देना। अरे वहां मर गए भाई, 9 लोग मर गए, एक खानदान के 8 लोग मर गए। नहीं वहां के आके पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। अरे मजलिस आग लगी हुई है, कूद के निकाल रहे बच्चे हमारे, कोई नहीं देख रहा कि उन्हें मुसलमान है हिंदू है। अरे आग घर में आग लगी तो क्या झांक के देखते इसका नंबर क्या है, घर पे नाम क्या है? जितना बचाना है कोशिश किए। 15-20 लोगों को, बच्चा सलमान एक वीडियो बनाया, देखो आप उसमें, उसमें हमारे हिंदू भाई ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहे मजलिस के लोग 15 मिनट में आ गए, जान बचाए। आप बताइए ये काम मजलिस करती आई है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाइयों में, दलित भाइयों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में ये बीजेपी कांग्रेस बोलती नहीं दुश्मन। अरे कहीं क्यों दुश्मन रहेंगे हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम भी इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहते, दूसरों को भी बोलते आप भी इज्जत से जिंदगी गुजारो। हाँ हम बीजेपी के खिलाफ थे, जिंदगी भर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला खिलाफ उनके।